Hi guys, in this video we'll learn how to represent the equation of a hyperplane. Okay, so let me first tell you hyperplane kya hota hai, uske baad kyun padhna zaruri hai aur fir hum log ye pura kaam karenge. Theek hai, so if you talk about 2D, if there are two dimensions, let's say x and y, this thing is known as a line, right? You already know this. What if you have a 3D coordinate system? In that case, you have something known as a plane, right? What if you have 3D, what if you have 4D, 5D or a ND coordinate system? Wahan par, what do you think is the equivalent of a line or a plane? The answer is hyperplane. Hyperplane. Aur hume is hyperplane ka equation निकालना सीखना है. ओके, सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. बट यू माइट बी क्यूरियस कि क्यों पढ़ रहे हैं हाइपरप्लेन का इक्वेशन निकालना क्यों जरूरी है. सो द रीजन इज वेरी सिंपल. मशीन लर्निंग में बहुत फ्रीक्वेंटली यू विल बी गेटिंग हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब बहुत ही ईजिली, लाइक इवन द आयरन्स डेटा सेट, जो टॉय डेटा सेट है मशीन लर्निंग का, उसमें भी चार कॉलम्स है. इफ यू टॉक अबाउट द एमनेस्ट डेटा सेट, उसमें 785 कॉलम्स है. सो यू कैन सी कि बहुत जल्दी आपको यू नो यू विल बी रनिंग आउट ऑफ दिस 2D और 3D स्पेस एंड यू विल बी गेटिंग इनटू दिस हाई डायमेंशन स्पेस. सो यहां पर इफ यू आर डीलिंग विद सम क्लासिफायर और सम एल्गोरिदम, जहां पे आपको लाइंस के थ्रू क्लासिफिकेशन करना है या रिग्रेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ या फिर SVM हुआ, इस तरह के एल्गोरिदम्स में यू नीड to learn how to find out the equation of a hyperplane, because वहां पर आपके पास इतना सारा columns है, मतलब इतने dimension में data है, and वहां पर if you want to do classification, आपको ये hyperplane का equation का जरूरत बहुत पड़ेगा. ठीक है, and that is why in this video we are going to learn how to represent the equation. I hope मैंने motivate कर दिया आपको. Okay, so now let me rub this board and we'll start with this thing. Okay, so the strategy is very simple. हम लोग 2D से स्टार्ट करेंगे और बिल्ड करते करते ND में जाएंगे. ठीक है, सो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो यू ऑलरेडी नो द आंसर. द आंसर इज y इज इक्वल टू mx प्लस b, राइट? सो यहां पर m क्या है, m इज बेसिकली दिस स्लोप, दिस थीटा, राइट? और ये b क्या है, इट्स दिस इंटरसेप्ट, राइट? ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है. ओके, देयर इज वन मोर जनरल फॉर्म, मतलब अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो देयर इज अ जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, और उसको आप ऐसे लिखते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आई गेस आपने देखा होगा, राइट? सो अगर आप उसको रीअरेंज करो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यू कैन राइट इट लाइक दिस, y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, और यहां पे यू कैन रीअरेंज, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्लोप विल बिकम माइनस ए बाय बी एंड द इंटरसेप्ट विल बिकम माइनस सी बाय बी, राइट? मतलब दिस बी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बी. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है. ठीक है, सो हम लोग ये वाला फॉर्म ज्यादा यूज करेंगे बिकॉज ये जनरल फॉर्म है, तो हाइपरप्लेन के लिए ज्यादा इजिली आप स्टे कर पाओगे. ठीक है, तो फॉर नाउ लेट्स रिप्लेस दिस थिंग विद दिस इक्वेशन, ए एक्स प्लस by plus c is equal to 0. In fact, यहाँ पर आप एक और चेंज कर सकते हो. लेट्स से हम अपने पहले एक्सिस को x1 बोल रहे हैं और दूसरे एक्सिस को x2 बोल रहे हैं. ये इसलिए इजी हो जाएगा बिकॉज अगर आपके पास 3, 4, 5, 10 डायमेंशन है तो आप उसको x3, x4, x5 कर सकते हो. ठीक है, सो एक्चुअली यू कैन राइट इट लाइक दिस, ax1 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, देयर इज वन मोर चेंज दैट यू कैन डू, बिकॉज इवेंचुअली जब आप 26 से ज्यादा स्पेसेस में काम कर रहे हो तो आपके पास ये ए बी और सी भी कम पड़ जाएगा. सो वन मोर वे ऑफ राइटिंग दिस इज w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w0 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन. ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, ये समझने में सबसे ईजी हो जाएगा. ठीक है, अब सोच के देखो, अगर ये 2D के लिए है तो व्हाट अबाउट 3D गाइस? What if I have a plane like this?
इस केस में हमारे पास यहां पर x1 है, यहां पर x2 है और यहां पे x3 है, राइट? तो अगेन यू नो यू कैन सिंपली स्केल दिस, यू कैन राइट w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x3 प्लस w0 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, राइट? दिस इज द लाइन, दिस इज द प्लेन. नाउ यू कैन इजिली थिंक, अगर 4D होता तो w4x4 हो जाता, और अगर n डायमेंशनल है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x3 प्लस wn xn प्लस ये आपका इंटरसेप्ट वाला टर्म अभी भी यहीं पर है, ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन फॉर एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस. अब हम लोग इसको थोड़े कॉम्पैक्ट तरीके से लिखने का ट्राई करते हैं, ओके? सो आई हैव रिटन द इक्वेशन ओवर हियर. और बाय द वे वन मोर थिंग, आप हाई डायमेंशन में हाइपरप्लेन्स को पाई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? पाई. सो ना अभी भी थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा है, मतलब इसको देख के थोड़ा सा डर लग रहा है. आप चाहो तो इसको और रिड्यूस कर सकते हो इनटू अ मच मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म. कैसे कर सकते हो? अगर आप इस पूरी चीज को वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करो तो ये बहुत इजी हो जाता है, और फिर आपको बहुत यू नो कन्वीनियंस हो जाता है हायर डायमेंशन में चीजों को हैंडल करने में. आई टेल यू हाउ. सो जब भी हमको कुछ करना होगा हम वापस 2D में आएंगे. सो लेट्स से हम 2D में है एंड वी हैव x1 एंड x2 आर एक्सिस. अब लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसका एक x1 कंपोनेंट होगा और एक x2 कंपोनेंट होगा, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? अगर ये 3D में होता तो यहाँ पे x3 कंपोनेंट भी होता, 4D में होता तो x4 कंपोनेंट भी होता. आप चाहो तो इस पॉइंट को एज अ वेक्टर इमेजिन कर सकते हो, राइट? अब सोच के देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन ये था, हमने थोड़ी देर पहले देखा 2D में. सो इट वॉज w1x1 प्लस w2x2. सो बेसिकली ये लाइन कुछ ऐसा होगा, राइट? और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे, और प्लस ऑब्वियसली w0. ये ओरिजिन नहीं है बाय द वे, ओरिजिन होता तो आप यहां पे ऐसे नहीं लिखते, आप ऐसे इक्वल टू 0 करते, ठीक है? आई गेस ये वाला चीज समझ में आ रहा है. अब खुद सोच के देखो गाइस, आपको ऑलरेडी पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. अगर इफ दिस इज अ वेक्टर एंड लेट्स से आप w1 और w2 को भी एक वेक्टर की तरह लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्चुअली ये जो चीज लिख रहे हो दिस इज एक्चुअली अ डॉट प्रोडक्ट. सोच के देखो, दिस इज w.x. w.x क्या होगा? w1x1 प्लस w2x2, राइट? अगर आप ये 3D में होते, यहां पर x3 होता और w में w3 होता, तो तब भी w.x क्या होता? w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x3. तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, इस x को एक n डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, लाइक दिस. सो यू कैन एक्चुअली अज्यूम दैट देयर इज अ वेक्टर and that vector is like this, w vector, और उसके अंदर you know component है w1, w2, wn. Similarly there is a vector x जिसमें component है x1, x2, xn. तो actually आप इस चीज को reduce कर सकते हो into, I'll write it in black, you can actually reduce it to w dot product x plus w0 equal to 0. अब ये डॉट प्रोडक्ट नोटेशन को भी अगर आपको रिमूव करना है और सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप वेक्टर्स को लिखते हो तो दे आर जनरली रिटन इन कॉलम फॉर्मेट, राइट? सो ये दोनों ऐसे लिखे हुए हैं, w1, w2, wn, और x भी ऐसे लिखा हुआ है, x1, x2, xn, राइट? सो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सो दैट आप इस इक्वेशन पे आ जाओ, w1, w2, w3, wn. नाउ आपने क्या किया, इसको रो वेक्टर बना दिया और आपने x को कॉलम वेक्टर ही रहने दिया, सो x2, x3, x4, xn, ठीक है? अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉलम रहता है, उसको अगर आपको रो में कन्वर्ट करना है तो यू आर एक्चुअली डूइंग दिस ऑपरेशन, ट्रांसपोज ऑपरेशन, और ये एक्स अभी भी ऐसा ही है, तो एक्चुअली आप इस चीज को
ऐसे लिख सकते हो, आपने शायद पढ़ा भी होगा, ए डॉट वी इज एक्चुअली ए ट्रांसपोज बी, ये आपने शायद वेक्टर्स में पढ़ा होगा। तो हमने वही किया, डब्ल्यू डॉट एक्स को हमने डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स कर दिया और प्लस ये डब्ल्यू नॉट तो है। एंड गाइस नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन एनी डायमेंशन, मतलब ये 2D में भी वैलिड है, ये 3D में भी वैलिड है, ये ND में भी वैलिड है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, ये W नॉट क्या है, राइट? क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत सही है, ये बस W नॉट साथ में फालतू में लटक रहा है, ये क्या है इसको देखते हैं, ठीक है? सो W नॉट का सिग्निफिकेंस को अगर आपको जानना है तो आप ये कर सकते हो, फिर से हम 2D में जा रहे हैं। 2D में आप एक लाइन की इक्वेशन को दो फॉर्म्स में लिख सकते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी और दूसरा था W1 X1 प्लस W2, मैं यहाँ पे y लिख सकता हूँ, मतलब W1 X प्लस W2 Y प्लस W0 इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं, ठीक? मतलब अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे ठीक से लिखता हूँ। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, W1 X प्लस W2 Y प्लस W0 इक्वल टू जीरो, राइट? अब यहां से हम समझने का ट्राई करते हैं कि W नॉट एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके? जैसे इस इक्वेशन में B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस Y इंटरसेप्ट। अब इमेजिन करो आप पूरी लाइन को अगर नीचे ले आओ तो ये लाइन यहां से पास करेगी लाइक दिस, इसका B टर्म जीरो हो जाएगा। तो उसका इक्विवेलेंट यू ऑलरेडी नो कि इस इक्वेशन में आप दोनों को इक्वेट करो तो यू कैन राइट B इज इक्वल टू माइनस W नॉट बाय W2, राइट? अब अगर B जीरो हो गया तो आपको इसको भी जीरो करना है, और इसको भी जीरो करने के लिए आपको W नॉट को जीरो करना है। सो आप ये इन्फर कर सकते हो कि अगर आपका लाइन या फिर आपका एन डायमेंशनल हाइपरप्लेन ओरिजिन से पास करेगा तो आपका W नॉट हमेशा जीरो हो जाएगा। सो हम एक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन ले रहे हैं दैट कि हमारा ये हाइपरप्लेन जो है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि आप वेक्टर्स को पूरे टाइम ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, राइट? तो आप ये अजम्पशन ले रहे हो कि W2 X इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? और आपने और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, सोच के देखो गाइस, आपने बस एक अजम्पशन लिया कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है हाइपरप्लेन और ये W नॉट जीरो हो गया, क्योंकि आपको समझ में आ गया क्यों, और फिर आपका इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन इज नाउ डब्ल्यू टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट? एंड दिस इज सो सिंपल गाइस। अगर ये 2D है तो आप इसको ऐसे लिखोगे W1 X1 plus W2 X2 is equal to 0, अगर 4D है तो आप लिखोगे W1 X1 plus W2 X2 W4 X4 is equal to 0। अब आप किसी भी हाई डायमेंशनल लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑब्वियसली द अजम्पशन इज कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके? अब एक लास्ट चीज कर रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया, हम सच में एक बार इंटरप्रेट करने का ट्राई करते हैं कि ये W है क्या, ये W है क्या, ठीक है? ये हम लोग देखने वाले हैं, एक बार मैं रख कर देता हूं व्हाइट बोर्ड को, ओके? ओके गाइस, सो नाउ लेट्स इंटरप्रेट कि W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस वेक्टर, ये है क्या, ठीक है? अब यू ऑलरेडी नो कि दिस W T बाय X कैन इजीली बी रिटन एज W डॉट प्रोडक्ट X, राइट? एंड यू ऑलरेडी नो वेक्टर से आपको पता होना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू W X cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, इफ देर आर टू वेक्टर्स W एंड X तो बेसिकली उनका एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द थीटा, कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, राइट? सोचिए देखो, राइट? सो हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट? और ये कब होगा, सोचिए देखो, जब थीटा कितना होगा 90 degrees। सो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो W है और आपका ये जो x है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एक एंगल है, और आपको ये ऑलरेडी पता है कि ये जो आपके x है ये ऑब्वियसली आपके प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा, राइट? मतलब ये x चाहे कोई भी और x हमेशा आपके प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा, राइट? ये सारे के सारे वेक्टर्स आपके इस प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। सो अगर आपको इंटरप्रेट करना है ये w क्या है, तो ये जो आप हाइपरप्लेन फॉर्म कर रहे हो, ये जो इक्वेशन है हाइपरप्लेन का, ये W हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है? दिस इज व्हाट दिस W इज, दिस वेक्टर इज अ वेक्टर जो आपके इस हाइपरप्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर में रहता है, एंड यही इसका इंटरप्रिटेशन है गाइस, ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ओके?
सो नाउ दैट यू नो कि इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन कैसे लिखते हैं इन फॉर एनी डायमेंशन एल डायमेंशनल स्पेस, अब आप इसको बहुत जगह पे प्लग इन कर सकते हो और एंड ट्रस्ट मी ये आपको नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स हेल्प करेगा बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रोग्रामिंग जब आप खुद की क्लासेस अगर बना रहे हो किसी एल्गोरिथम का. सो ये बहुत किक-ऐस कॉन्सेप्ट है, आई होप ये आपको समझ में आया. ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.